फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अमाद है और मेरे चैनल का नाम डिस्को परी। तो आज आपके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ एनएफटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने। एनएफटी किस तरीके से बाय होता है और किस तरीके से हमें सेल करना होता है, ये सब कुछ मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले ये जो एनएफटी है, ये है क्या चीज? नॉन फंजेबल टोकन, एनएफटी कहते हैं, नॉन फंजेबल टोकन को कहते हैं। और ये किस तरीके से आपके पास, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने डिस्कॉर्ड अपने मोबाइल में एप्लीकेशन में डाउनलोड करना है। डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड सेम आपके व्हाट्सएप की तरह होता है। जिस तरह आप व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप चैटिंग करते हैं, ठीक है, इस मोबाइल में जब डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लिया और उस सबसे पहले आपने डिस्कॉर्ड को चलाना भी सीखना है। डिस्कॉर्ड में चैट रूम होता है, ठीक है, और उसमें आपने जब आप डिस्कॉर्ड डाउनलोड करते हैं, ठीक है, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना होता है। फिर आपने ये सर्च करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई एनएफटी का प्रोजेक्ट आ रहा हो, कोई आपके दोस्त के पास लिंक हो उसका, ठीक है, आपको वो लिंक भेजेगा, आपने वो इनवाइटिंग को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को उस उधर वेरीफाइड कराना है, ठीक है। जब आपको समझे कि आपको मैं बताता हूँ, एक एनएफटी प्रोजेक्ट है, उसका नाम है वेरीफाइड रिजेक्टेड, ओके, एज अ नेम, ठीक है। एक एनएफटी प्रोजेक्ट आया, उसका नाम वेरीफाइड रिजेक्टेड है। आपके किसी फ्रेंड ने आपको लिंक भेजा, भाई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप देखो, ठीक है, तो इसके अंदर आप एनएफटी लेने की कोशिश करो। आपने क्या करना है, उसके लिंक को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपने उस लिंक को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपको वेरीफाइड कराएंगे। जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे तो जो ग्रुप का मॉडरेटर होगा वो आपको, ग्रुप का मॉडरेटर आपको WL देगा। WL व्हाइट लिस्ट होता है। व्हाइट लिस्ट क्या होती है? व्हाइट लिस्ट होती है और एक प्रीसेल होती है। व्हाइट लिस्ट वो होती है जिसमें कुछ मखसूस बंदों को दी जाती है, ठीक है, और जब वो अपनी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा होता है, लॉन्च करने को इधर कहते हैं मिंट, ठीक है। जब हम अपने नॉर्मल जबान में कोई चीज को लॉन्च करते हैं तो हम कहते हैं लॉन्च, मगर एनएफटी के अंदर हम कहते हैं जब मिंट कर रहा है वो, और जब वो मिंट करेगा, ठीक है, तो उधर आपके पास इतना ट्रैफिक नहीं होगा। जिस तरह आपको पता है ये जो जब हम एनएफटी लेते हैं तो वो आप इथेरियम की ब्लॉकचेन में लेते हैं या सोल की ब्लॉकचेन में लेते हैं, तो जितना ट्रैफिक जब इथेरियम का ज्यादा होता है तो उसकी गैस फीस ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए एक डिस्कॉर्ड बनता है। डिस्कॉर्ड के अंदर आप लोगों को चैट करनी पड़ती है, क्विज करना पड़ता है, और आपने कुछ आर्ट वर्क अपने मॉडरेटर को देना पड़ता है, जिसकी बिना पर आपको WL मिलता है। WL मतलब व्हाइट लिस्ट, ठीक है, जिसमें कुछ मखसूस बंदों को वो WL मिलता है, और फिर उसकी सेल खोली जाती है व्हाइट लिस्ट वालों के लिए, ठीक है। सबसे पहले वो WL वालों के लिए उसकी सेल खोली जाती है, ठीक है। जब उसकी सेल खोली जाए, वो मखसूस टाइम के लिए खोली जाती है। जब उसकी सेल खोली जाए उसी टाइम पे आपने अपना मिंट करना होता है, ठीक है, अपने टोकन को मिंट करना होता है। जब मिंट करेंगे तो आपको NFT मिल जाए। अब NFT के लिए आपको वॉलेट भी चाहिए। तो वॉलेट इधर दो यूज होते हैं, एक मेटामास्क यूज होता है और एक फैंटम यूज होता है। फैंटम जो होता है वो सोलाना का वॉलेट है और मेटामास्क वॉलेट इथेरियम का। अगर आपके पास क्या कहते हैं मेटामास्क है तो आप मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप उसको, उसकी जो कीज होती है वो एक अलग टॉपिक है, उसकी वीडियो में कभी आपको बात बताऊंगा। उस कीज आपको संभाल के रखनी पड़ती है। फिर आपको अपना जो वॉलेट होता है वो आपने लिंक करना होता है, ठीक है, अपना वॉलेट उस डिस्कॉर्ड में आपको जो सर्वर, जो वेबसाइट मिलेगी जिधर आपको NFT का जो प्रोजेक्ट होगा उसकी वेबसाइट जो मिलेगी, उधर आपने अपना वॉलेट को अटैच करना पड़ता है। जब आप अपना वॉलेट अटैच कर लेंगे, जब अपना वॉलेट अटैच करेंगे उसके बाद आपको वो जब मिंट करना होगा तो आपको जो डिडक्शन होगी वो आपके उस मेटामास्क वॉलेट में से डिडक्शन होगी। और जो मेटामास्क वॉलेट है वो आपको किस तरह आपने डिपॉजिट करना है, आपने अपने बैलेंस के या क्यूकॉइन के या कोई और दूसरे एक्सचेंज के अकाउंट से आपने मेटामास्क में डिपॉजिट करना है। सबसे पहला स्टेप आपने मेटामास्क में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद फिर जो आपको WL मिलेगा, WL जो मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिंट करना है अटैच करके मेटामास्क या फैंटम वॉलेट को। इथेरियम की ब्लॉकचेन में मेटामास्क वॉलेट से WL मिंट होगा और क्या कहते हैं, और सोलाना की ब्लॉकचेन पे फैंटम वॉलेट आपका यूज होगा। भाई जिन लोगों ने WL के थ्रू NFT बाई की होगी उनको वो NFT डिस्काउंट पे मिलेगी। समझे के जो प्रीसेल में जो प्राइस होगा वो पब्लिक के लिए होगा, और पब्लिक के लिए जो प्राइस खुलेगा तो वो ज्यादा ही खुलता है, ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो कोशिश करें, आपने एंट्री लेनी है डिस्कॉर्ड से आपने अपने मॉडरेटर को खुश करना है, उसको क्या कहते हैं, चैटिंग करनी है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है ग्रुप में,
क्विज करना है अपने, और क्या कहते हैं अपने कुछ आर्ट वर्क मॉडरेटर को गिफ्ट करके देना है, तो मॉडरेटर आपको WL गिफ्ट देगा स्पॉट में, ठीक है। फिर आपने वो मिंट करनी है, मिंट करने के बाद आपने प्री सेल का इंतजार करना है। प्री सेल का इंतजार करके आपने देखा कि आपके NFT प्राइस हाई हो रही है, हाई हो रही है, और आप सोच रहे कि बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, बस अब मुझे सेल करके प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना चाहिए, तो आपने प्रॉफिट लेके बाहर आना है, लालच नहीं करनी है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट आपने ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है, ठीक है, आपका ये चीज क्लियर हो गई। अब एक दूसरा भी होता है ओपन सी के अंदर, ओपन सी के अंदर भी हम ये प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी होता है। ओपन सी के अंदर आप जैसे कि इथेरियम की ब्लॉकचेन और सोलाना की ब्लॉकचेन का जो NFT होता है वो ओपन सी के अंदर लॉन्च होता है, ठीक है। आपने ओपन सी के अंदर बिट लगती है, समझे कि मेरा एक NFT है, मैंने एक बंदर की फोटो बनाई और एक जोकर बनाया, जो भी मैंने एक NFT बनाया वो मैंने ओपन सी के अंदर उसको लॉन्च किया, क्रिएट किया, ओपन सी के अंदर लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने इसको एक इथेरियम का बेचना है, ठीक है, और जब मैंने सोचा इसको एक इथेरियम का बेचना है तो मैंने इसको दो तरह से आप उसको सेल कर सकते हो, एक आपने प्राइस फिक्स कर दिया एक इथेरियम, ठीक है, एक आपने बिट लगाई, समझे कि बिट आपको मालूम है कैसे होती है, किसी ने बोला भाई ये मैं एक इथेरियम करूंगा, तो दूसरा बंदा आया उसने कहा मैं 1.2 इथेरियम करूंगा, इस तरह जिस तरह सबसे हाईएस्ट जिसकी बिट होगी आप उसको अपना NFT सेल कर दोगे। ये NFT का तरीकेकार है, आपने किस तरीके से आपने डिस्कॉर्ड का सर्वर बना के किस तरीके से आपने मिंट करना है, मिंट करने के बाद प्री सेल सेल करें या जब वो हाईएस्ट रेट पहुंचे जब सेल करें, या अपना आप सेकेंडरी लेवल पे ओपन सी के अंदर अकाउंट बनाए, ओपन सी के अकाउंट के बाद आप उसको एक बिट के लिए, बिट के तौर पर सेल करने के लिए रखें, या फिर आप अपना एक प्राइस फिक्स कर दें मैंने एक इथेरियम दो इथेरियम की सेल करनी है। लिहाजा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन पे गैस फी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कोई NFT प्राइस है एक इथेरियम, और सपोज एक इथेरियम NFT प्राइस है $100, कभी कभार इथेरियम की गैस फीस इतनी होती है कि वो आपका जब आप उसको मिंट करते तो वो आपकी गैस फीस इतनी काट लेता है कि $500 $1000 आपकी गैस फी काट लेता है। और कभी ऐसा भी होता है कि उनकी पे कोई ग्लिच होता है, या जो आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वॉल्व होते हो वो प्रोजेक्ट नकली होता है, या जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या आपका सर्वर काम नहीं करता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका जब मिंट करने जाते हैं आपकी गैस फी तो कट जाती है, समझो कि $500 गैस फी है, $100 का आपका NFT है, आपकी $500 गैस फी कट गई, लेकिन आपको वो NFT नहीं मिला, ठीक है, तो वो अभी आपका लॉस है। अपने लॉसेस को आपने देखना है और इसमें वही पैसे लगाना है जिसको आपके डूबने का, जिस पैसे को डूबने का आपको कोई गम ना हो। अगर आप सोचते हैं कि ये NFT बहुत कोई रिस्की नहीं है, ये NFT बहुत रिस्की है, ठीक है, अगर क्रिप्टो अगर आपने की है, सबसे पहले आप क्रिप्टो से पैसा कमाएं, क्रिप्टो से पैसा कमाने के बाद फिर NFT के अंदर अपना 10% इन्वेस्ट करें, अपना पूरी जमा पूंजी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। क्योंकि आप इसका एक रिस्क, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपने कोई NFT लिया, आपने प्रीसेल से भी ले लिया, ठीक है, और वो NFT बाद में जाके लॉन्च होने के बाद आप लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइस अगर कम हो जाती है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। क्रिप्टो के अंदर भी ऐसी है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर हम जब चाहे अपने पैसे कैश आउट करा सकते हैं लॉस में, लेकिन इधर हमने वेट करना है, जब हमारा बायर आएगा तो हमारी चीज सेल होगी, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो के अंदर आपके पास अगर आपका इथेरियम का प्राइस गिर गया, आपको कैश आउट की जरूरत है, आपने इथेरियम लॉस में बेचा, आपने कैश आउट करके निकल गए, लेकिन इधर आपको बायर का वेट करना है। एक तो ये है इसके अंदर प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि एक टीम है डिस्कॉर्ड की, उसने एक बहुत अच्छा अपनी हाइप बनाई, बहुत अच्छी रग इन पूल जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी उसने अपनी हाइप बनाई, ठीक है, बहुत बंदे इकट्ठा किए, बहुत मार्केटिंग में पैसा लगाया, ठीक है, और आप लोग सोच रहे हो यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, और वो आपको यकीन दिला रहा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। फिर उसने पूरे पब्लिक का पैसा इकट्ठा किया और क्या कहते हैं मिंट वाले दिन पे आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, उसका तो फायदा हो गया, उसने मिलियंस डॉलर्स के अंदर पैसे कमा लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। वो अपना डिस्कॉर्ड डिलीट करेगा, अपनी वेबसाइट डिलीट करेगा, सब कुछ डिलीट करेगा, ट्विटर अकाउंट वगैरह सब डिलीट करेगा। ये एनोनिमस टीम होती है, जब आप कोई भी डिस्कॉर्ड के अंदर इंक्लूड हो आपको मालूम होना चाहिए इसके जो टीम का फाउंडर है वो कौन है, ठीक है, इस चीज पे भी आप रिसर्च करें, जो जितनी ज्यादा रिसर्च करेगा वही उतना ज्यादा इस NFT मार्केट में काम है। अगर आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेजबान अमाद अली को इजाजत दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बाय बाय।